सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो भगवान हम बोलते हैं, गॉड हम बोलते हैं, क्या वो सच में है भी इस दुनिया में? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सुना है, या तो अपने बड़े बुजुर्गों से घर में, या अपने जो हमारे हमारे रिलीजन के जो लीडर्स बने हुए हैं उनसे, मतलब कहीं ना कहीं से हम लोगों ने ये सुना है कि इस दुनिया में एक सुप्रीम पावर है जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। बट क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो इस बात का जवाब तो मतलब सबके पास तो नहीं होगा, क्योंकि हम सब लोग शुरू से यही चीज़ मानते आए हैं कि गॉड हैं और हम उनकी प्रे करते हैं, और हम ये मानते हैं कि जो भी हमारे साथ कुछ होगा, अच्छा बुरा, वो उस रब की मर्जी से ही होता है। तो आज के इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नायक साहब से एक लड़के ने यही क्वेश्चन पूछा था कि डज गॉड एग्जिस्ट, तो उसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उनको क्या जवाब दिया, तो इस वीडियो को देखते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बिकॉज इसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब को उस लड़के ने बोला था कि डज गॉड एग्जिस्ट, इफ येस देन प्रूव इट। तो इसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देंगे आई गेस, बिकॉज डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इतनी सारी हॉली बुक्स पढ़ी हुई हैं, ऑलमोस्ट सारी ही हॉली बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो उन कहीं ना कहीं से तो ये 100% गारंटेड हमें आंसर मिला होगा ना कि येस गॉड रियली एग्जिस्ट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब का क्या आंसर था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। بسم الله الرحمن الرحيم फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है, ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं, वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र हो, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते, जैसा कि जुडाइज्म में कहा गया कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सॉल्यूशन माने, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है, पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? बहसर ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है, और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथियज्म इसका सलूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथियज्म इसका सलूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहां खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों मैं बोलूंगा? क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है क्या नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना, आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं। आप कैसे भाई है? लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम
बराबर तौर से समझ लें, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते हैं इसका क्या मतलब, क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं, आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत कर रही है। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है, बाकी लोग यहां जाते हैं वहां जाते हैं, इसके घर में घुसते उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब ममालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है, जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों की हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाहु, 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 अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, मतलब आग को बुझाओ, क्यों, उधर चींटियां मर रहे हैं, उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है, सिर्फ अनजाने में इजाजत है, या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा गया है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं जो खाने के लिए बनाया गया है, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में, सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई, तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे, आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या, अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जान बूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी, क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की जिन्नत थी, मैं लफ्ज उर्दू जरा मेरी कमजोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत, जरा मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ किसी को चोट पहुंचे,
तो बाजौरी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, पर अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आजादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते जानवरों के हुकूक, मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह, चिड़िया स्पैरो, अब पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते, अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं, लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना, महीने 20 घर चलेंगे बंबई में, हाँ के नहीं, वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे, ये किधर का इस्लाम है। ठीक है जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो ये खाना लेके आओ, खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना। तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब मैं कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथियज्म सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है, मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर के नहीं, उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी को, तो आप चोरी करना शुरू करेंगे। वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल भाई बलात्कार कर, आप करेंगे करेंगे। तो इसी तरह ये इलॉजिकल है, खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई, इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की। और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं। और कई मजहब इस्लाम के अलावा, कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक इतना नेक इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज का बुरा लगता है, इतना नेक इतने पाक इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ कैसा होती। तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते। ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की। ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक इतना पाक इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है, तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए, क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जरूरी है नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ, पानी में मत डालो खराब हो जाएगा, ऊपर से मत फेंको खराब हो जाएगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा
हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता है इंसान के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए। और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है कुरान। इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथियज्म फिलॉसफी टोटली रॉन्ग। और वेद में किधर नहीं लिखा है, आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कम सच विप्र बहुधा वेदांते, खुदा एक है, उसको नाम अलहदा दे सकते हैं आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं, और वही खुदा है। न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैच्यू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो यस, गॉड रियली एग्जिस्ट, इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं है या गॉड नहीं है। इस पूरी दुनिया को जो चलाने वाला है वो ही सुप्रीम पावर है, जो इस पूरी दुनिया को चलाता है, हम लोगों को यहाँ पे ऐसे जिंदा रखा है, इस दुनिया पे भेजा, ये सब उसी खुदा के रहमो करम से हुआ है। वो जो खुदा है वो इमोर्टल है, ना उनका जन्म होता है, ना उनका मरण होता है, ना उनका कोई ऐसा रंग रूप है जो किसी ने देखा हो, क्योंकि किसी भी शख्स से कभी भगवान को ऐसे आमने सामने से नहीं देखा है। बस सब लोगों के दिमाग में एक पिक्चर होती है कि जो हमारा रब है, हमारे खुदा है, वो ऐसे होंगे, बट एक्चुअली किसी ने उनको नहीं देखा। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि गॉड हमारे या हमारा जो रब है वो ऐसा दिखता होगा, बट ये सच है कि वो एक ही रब है जो इस पूरी कायनात को चलाता है। चाहे हम उसको किसी भी नाम से एड्रेस कर ले, हम उनको रब बोल दें, हम उन्हें अल्लाह बोल दें, हम उन्हें खुदा बोल दें, हम उन्हें गॉड बोल दें या भगवान बोल दें, बट वो एक ही सुप्रीम पावर है जो पूरी इस दुनिया को चलाती है, और उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर हम सोचें कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम सोते हैं, हम उठते हैं, हम सोचते हैं सुबह हो गई नहीं, ये उस रब की मर्जी से ही हुई है। हम सोए हैं, हम ठीक ठाक अगले दिन उठे हैं, उस खुदा की रहमत है हमारे ऊपर कि हम अभी भी सांसें ले रहे हैं, हम अगले दिन उठते हैं। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ जो है वो उस रब की मर्जी से ही होती है। और जो सेकेंड चीज़ उन्होंने मेंशन की थी इस वीडियो में ब्रदरहुड वाली, वो सच है कि हम सबको नहीं कह सकते ये हमारे बहन भाई हैं, बिकॉज अगर हम नॉनवेज की बात करें, जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो फिश, चिकन, मटन सब चीज़ें खाई जाती हैं। अगर हम बोलें मछली हमारी बहन है, तो मछली को कैसे काट के खा जाएंगे? कोई नहीं खाएगा। मुर्गा हमारा भाई है, तो चलो भाई को थोड़ी ना काट के कोई खा जाएगा। तो उस हिसाब से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, हम लोग नहीं उन्हें काटेंगे। इसके अलावा हम लोग पेड़ पौधों में भी जान होती है, अगर हम लोगों को जैसे पेपर के लिए, रबर के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, फ्रूट्स के लिए फ्रूट को प्लक करते हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। मतलब सारी ही चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी अगर हम लोग बोलेंगे कि ये सारे हमारे बहन भाई हैं, पेड़ पौधे, जंतु, पंछी, पक्षी सब, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक स्क्वायर इंच भी इस पूरी कायनात का ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई लिविंग थिंग ना हो। अगर आप लोगों को याद हो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो एक वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया था, क्रिएशन टू क्रिएटर, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया था कि इस पूरी कायनात में एक भी इंच ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई मखलूक ना हो, मीन्स कोई लिविंग थिंग ना हो। तो हम लोगों को तो फिर चलते हुए भी ये देखना पड़ेगा, यार मेरी बहन चींटी सड़क पे चल रही है वो दब ना जाए, या ये जो बैक्टीरियाज मेरे भाई बहन हैं
है ना, या फिर हम लोगों को जैसे अभी पेंडेमिक की भी बात करें तो इतना सारे लोगों को वायरस ने दुखी किया था और लोगों ने मेडिसिन खाई, तो अगर कोई बंदे को इन्फेक्शन हो गया था उसके बाद वो मेडिसिन खा रहा था तो ऑब्वियसली मेडिसिन खाने का पर्पस ही ये था कि अंदर से हम लोग वो वायरस को खत्म करना चाहते थे। तो ऐसे तो इंसान का जीना ही पॉसिबल नहीं होगा अगर वो ये सोचने लग जाए कि इस दुनिया में जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे मेरे बहन भाई हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बड़ा जानवर भी एक छोटे जानवर को खाता है, जो कि रिक्वायरमेंट भी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या इस दुनिया में बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर किसी को चलने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी और एक दूसरे के लिए वो सेफ भी नहीं रहेगा। जैसे समुद्र की बात करें, समुद्र में जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटी को खाती हैं जिससे कि एक बैलेंस बना रहता है उसमें। अगर कोई फिश एक दूसरे को नहीं खाएंगी, जो व्हील है शार्क है वो नहीं छोटी मछलियों को खाएंगी, तो उससे क्या होगा, पूरा समुद्र ऐसे बहुत सारी फिश 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 होगी, वो वाटर ही नहीं हम लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इतने सालों से ये बड़े जानवर छोटे जानवर को खाते आ रहे हैं। सोचो अगर वो नहीं खाते तो फिर इस दुनिया में तो पूरे जानवर जानवर ही भरे होते, तो हम लोग तो कहाँ ही रहते ना, घर बनाने के लिए जगह में थे, हमारे घर में भी जानवर आके घुस जाते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होती, तो उनको तो क्वेश्चन करना ही मीन्स सही नहीं है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगी कि सबको भाई बहन नहीं माना जा सकता, मीन्स जानवरों को। इंसान जो है वो प्लीज़ एक दूसरे को भाई बहन मान के चलो, जिसको इफ यू आर इन लव उसको छोड़ दो, वो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है। अदरवाइज द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप और इस सोसाइटी में अच्छे से रहने के लिए ये तो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और उन्हें यही मान के चले। ब्रदरहुड का भाईचारा कहने का हमारा मतलब ये नहीं होता कि आप भाई मान के उनको घर ही लेकर आ जाओ, बट ये होता है कि जब हम किसी को यू नो व्हेन वी हैव द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड हम उस बंदे को रिस्पेक्ट करते हैं और उससे प्यार से रहते हैं। तो यही एक छोटा सा इस वीडियो का मैसेज था। और जो गॉड है वो रियली एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, तो कभी मत सोचना कि गॉड नहीं है। हर कोई उन्हें अलग तरीके से फॉलो करता है, वो बात अलग है, बट गॉड रियली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ये पूरा यूनिवर्स उन्हीं के करवा से चल रहा है। और आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं जी, बाय बाय।